कन्या, गुणवती कन्या मीन्स द वर्च्युअस गर्ल. सो नाउ हियर द फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी सीन वन बॉय, द नेम ऑफ बॉय दैट शक्ति कुमार एंड he is a shrishti putra means son of a merchant and he wants to desire one good and virtuous beautiful girl. So here and there he is roaming and he is searching like this girl. So in part 1 we have seen half of the story. Now then he got one girl and tell to that girl that I am giving you only one food item means rice grain and you have to prepare the food use of this only and only one that food item whichever I have given only you have to use that item only. And now the girl accepted that the task of that given of Shakti Kumar. Now the remaining story we will see in the this video. Now in the page number 21 second paragraph that tandulana sampraya sa tushan bhushanam marjanarth swarnakaraya vikretum dhatrim akathayat. So tandulana we have already seen rice grain. Sampraya, sampraya means obtain, to get. So here the word sampraya obtain and the another word is given tushana. Tushana means husk, means that the cover of rice. Bhushananam, bhushananam means ornaments. मार्जनार्थ, सो मार्जनार्थ मीन्स क्लीनिंग, उसको क्लीन करना. सो इट इज कॉल्ड मार्जनार्थ. मार्जनार्थ मीन्स फॉर क्लीनिंग. मार्जनार्थ फॉर क्लीनिंग स्वर्णकाराय. तो हियर द वर्ड स्वर्णकार. स्वर्णकार मीन्स गोल्ड स्मिथ. सुनार स्वर्णकार गोल्ड स्मिथ विक्रेतुम. विक्रेतुम मीन्स टू सेल, उसको बेचा उसने. दात्रीम, सो हियर द वर्ड धात्रीम. तो धात्रीम का मतलब होता है सर्वेंट. सो धात्री सर्वेंट. सो नाउ द सेंटेंस मीनिंग इज लाइक दिस. तंडुलाल समुप्राप्य सा तृषान भूषणानाम मार्जनार्थ स्वर्णकाराय विक्रेतुम धात्रीम अकथयत. धात्रीम अकथयत मीन्स टू टेल द सर्वेंट, टू टेल द एल्डरी नर्स. उसने उसको बोला, जो सेविका उसने रखी हुई थी उसको उसने बोला. कथयत मीन्स टू से. तंडुला न संप्राप्य मीन्स वेन एवर द शक्ति कुमार इज गिविंग राइस गिविंग ग्रेन एंड देट वेन एवर शी गॉट दैट एंड हैविंग ऑब्टेन दैट ग्रेन्स शी शेल द कवर. मतलब उसने जो राइस और वो अलग किए थे उसमें से जो राइस के कवर अलग हुए थे दैट इज गिवन टू द गोल्ड स्मिथ फॉर क्लीनिंग द ऑर्नामेंट्स. मतलब वो ऑर्नामेंट्स क्लीन करने के लिए वो यूज कर रहे हैं तो उसको उसने सेल कर दिए. एंड टू हुम शी टोल्ड द सर्वेंट मीन्स द नर्स सेविका. नाउ तस्मात यद गनम मिलिती तेन काष्ठानी आहार इति च धात्री निवेदवती. तो निवेदितवती, तो हियर द वर्ड निवेदितवती मीन्स इनफॉर्म्ड. निवेदितवती इनफॉर्म निवेदित मती मीन्स इन्फॉर्म. मतलब देन आफ्टर वट एवर द मनी इज टेकन. मतलब जो उसने सेल किया था उससे जो उसको मनी मिले दैट मनी शी टेल टू दैट
servant that bring some firewood, मतलब wood लेके आओ, लकड़ी लेके आओ. Kashtani ahara, here the word ahara. Ahara means bring. Ahara means bring. So that iti cha dhatrim nivedivati means she informed to the servant that nurse, you have to bring that money and then after you have to take some firewood. Then after that, Dhatri Kashtani Anitvati. So here the word Anitvati. Anitvati means what? Bring. Matlab wo usko leke aayi. So Anitvati brought. Same the similar word is there. Ahara means bring. Anitvati means brought. Past form. तदंतरम सा तंडुलान अस्कृत जलेन प्रक्षालितवती. अस्कृत, अस्कृत मीन्स मेनी टाइम्स. अस्कृत मेनी टाइम्स. हियर हाउ द गर्ल इज प्रिपेरिंग द फूड, द होल दैट ड्यूरिंग द preparing food, whatever the item she wants, that is also given and the whole process is also given. So how she prepared the food? So first of all she got the rice, then after she many times means wo rice jo the usko bahut bar usne jalena prakshalitvati. Prakshalitvati means with the water, मतलब पानी से उसने बहुत बार धोया. So whenever we have to cook the rice at that time, we also do the same thing. We have to wash 2-3 times that rice and after that will that the rice become to cook the food. So now उष्णीकृते जलेन, उष्णीकृते, so here उष्णीकृते means heat water, जले water, चतान प्रक्षिप्तवती. प्रक्षिप्तवती मतलब उसने उसको वॉश किया, उसको क्लीन किया, धोया उसको. अल्प पिसया, अल्पियसा मीन्स अल्पियसा काले नहीं हुआ तंडुला सिद्धा सज्जाता. सो अल्पियसा, तो हियर द वर्ड अल्पियसा मीन्स विद अ शॉर्ट टाइम. वी ऑल नो दैट राइस जो है उसको पकने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है. सो उसने पहले 2-3 टाइम वॉश किया एंड देन आफ्टर गर्म पानी जो उसमें डाला एंड विद इन अ शॉर्ट टाइम द राइस इज प्रिपेयर्ड. सो द वर्ड हियर इज गिवन दैट अल्पियसा विद इन अ शॉर्ट टाइम. काले नैव तंडुलः सिद्धा सज्जाता. तंडुलः सिद्धा सज्जाता मीन्स राइस वर ऑलरेडी कुक्ड. नाउ द राइस इज रेडी. ततः इंधनानि जलेन, मतलब जो फायरवुड उसने जलाया था जो राइस को कुक करने के लिए. सो दैट इंधनानि फायरवुड जलेन शमयित्वा. शमयित्वा मीन्स उसने उस पे पानी डाला. मीन्स वेने कृष्णांगारान अपी, कृष्णांगारा, कृष्णांगारा मीन्स कोल. तो जो लकड़ा है वो जल जाता है तो उसके बाद उसका कोल बनता है. सो दैट इज कॉल्ड कृष्णांगारा. सो हियर द वर्ड कृष्णांगारा मीन्स ब्लैक कोल. कृष्णा मीन्स इन संस्कृत वी कैन से कृष्णा मीन्स ब्लैक. कृष्णा अंगारा, अंगारा मीन्स कोल. सो द वर्ड कृष्णांगारा मीन्स ब्लैक कोल. शमयित्वा, उसने उसको पानी से मतलब शांत कर दिया, उसको उसके ऊपर पानी डाल दिया क्योंकि वो बहुत ही गर्म थे. कृष्णांगारन अपि तदर्भिथ्यम. तदर्भिथ्यम मीन्स नीड फॉर देम, मतलब जिसको उसकी जरूरत थी उसको उसने प्रेषयित्वा. प्रेषयित्वा मीन्स टू सेल, उसने दे दिए, टू गिव. तदर्थिभ्यम,
तो उसने उसको जो कोल बचे हुए थे वो उसने दे दिए। यत धनम लब्धम, लब्धम मीन्स टू गेट। यत धनम वॉट एवर द मनी, पहले उसने वो राइस जो अलग किए है कवर, द गर्ल इज सेलिंग टू दैट ऑल्सो एंड ब्रिंग द फायरवुड व्हेन देन आफ्टर देन फायरवुड, मतलब जो लकड़ा था वो बच गया था है, उसका ईंधन। तो देन आफ्टर जो वॉट एवर द ब्लैक कोल शी गॉट, दैट कोल ऑल्सो शी सोल्ड ऑलरेडी। हियर द प्रेषयित्वा यद् धनं लब्धं तेन धनेन, मीन्स उस वो जो पैसे मिले थे, धनेन मीन्स मनी, शाकम, सो द वर्ड शाकम, शाकम मीन्स वेजिटेबल्स, शाकम मीन्स वेजिटेबल्स, ध्रुतम, ध्रुतम मीन्स घी, सो द वर्ड ध्रुतम, the g means curd. So whatever the black coal she sold and whatever the money she got, after that for that money she bring the vegetable, ghee, oil, curd and many more thing. Kritavati, so here the word Kritavati, so Kritavati means what? Bought. Kritavati say the similar word of ahara. So, bought. तेन च सा विविधानि व्यंजनानि, विविधानि व्यंजनानि means different different food items, विविधानि means different, व्यंजनानि means food items. संपादितवती, संपादितवती means prepared. संपादितवती, prepared. संपादितवती मीन्स प्रिपेयर। देन संपन्ने आहारे सा कन्या, मीन्स वॉट एवर द फूड शी हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड, उसने बहुत ही पका दिया था, उसके बाद संपन्ने आहारे सा कन्या दात्री मुखेन अतिथये प्रथम स्नानम निवेदितवती। सो हियर ऑलरेडी वी हैव सीन दैट निवेदित मीन्स इन्फॉर्म्ड। तो उसने जो उसकी सेविका थी, जो सर्वेंट थी, उसको बोला टू द गेट, दात्री मुखेन, दात्री मुखेन मीन्स उसके मुंह से उसको बोला कि आप उसको जो गेस्ट इज कमिंग हियर, तो उनको बोलो स्नातुम, मतलब टू टेक बाथ, मतलब खाना खाने से पहले उनको बोलो कि वो नहा ले, मतलब टू टेक बाथ। ततः स्नान शुद्धाय तस्मै अतिथये सा पेयोपहार पूर्व, तो हियर द वर्ड पेयोपहार पूर्व, पेयोपहार पूर्व मीन्स सम ड्रिंक्स एंड सम स्नैक, मतलब उसने द शक्ति कुमार द गेस्ट हैज ऑलरेडी टूक पार्ट, आफ्टर दैट द गर्ल इज गिविंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वन कस्टम इज दैट कि ऐसे ही खाना नहीं देते सबसे पहले, वेन एवर वी आर गोइंग इन रेस्टोरेंट देन ऑल्सो सो फर्स्ट दैट सम देट ड्रिंक बेवरेजेस, कोई लिक्विड मंगवाते हैं, देन आफ्टर स्नेक इज देर एंड देन आफ्टर द मेन कोर्स विल देर। सो सेम लाइक दैट हियर द वर्ड पेयोपहार पूर्व, तो हियर द संधि इज देर पेयोपहार, तो पेय प्लस आहार, पेय मीन्स टू ड्रिंक, आहार मीन्स स्नेक, तो पेयोपहार पूर्व स्नेक। Whenever the boys took bath, after that she offered the drinks and snake. Bhojanam dhrut sahitam, dhrut sahit, dhrut we have already seen, ghee, sahitam means uske saath, ghee ke saath usne odanam vyajanam cha ayachat, to many more food item with the rice, odanam means rice, ayachat to give, whenever she completed the snake and drink and all things, then she is giving with the ghee many more food items. Madhya madhya sa, madhya madhya means in between, koi bhi guest hamare ghar pe aate to we have already offer in between also, that whatever the thing you need just tell us, so we will provide you. So
सो मध्ये मध्ये सा भोज्यादीनां विविधानां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा अतिथे भोजनं रुचिम अपि अवर्धयत्। मीन्स मध्ये मध्ये भोज्यादीनां विविधानां पदार्थानां, मीन्स द बॉय इज हैविंग फूड एंड देन इन बिटवीन, मतलब वो खा रहा था तभी जो बनाया था उसने, उसके बारे में उसने उसको डिस्क्राइब किया दैट हाउ शी हैज टू प्रिपेयर द फूड ओनली फॉर अ वन आइटम शी गॉट। तो भोजनम रुचिम अवर्धयत्, तो जो खाना खा रहा होता है दैट पर्सन इज टेकिंग इंटरेस्ट इन फूड। भुक्ते तु तस्मिन, मीन्स वेन द गेस्ट कंप्लीटेड हिज मील, भुक्ते तु तस्मिन अतिथ्यौ मीन्स टू गेस्ट, तथा ताम्बूलस्यापि, तो हियर द वर्ड ताम्बूल, ताम्बूल मीन्स बेटल, ताम्बूलस्यापि, सो द वर्ड ताम्बूल, ताम्बूल मीन्स बेटल, सुपारी जिसको बोलते हैं, सो दैट ऑलरेडी अरेन्ज्ड बाय द गर्ल्स, व्यवस्था कृता अरेन्ज्ड बाय द गर्ल, एवं स्वकीय गुण संपदा प्रस्थापरिमितेन, गुण संपदा मीन्स रिचनेस ऑफ हिज क्वालिटी, स्वकीय तो उसकी जो क्वालिटी की रिचनेस थी वो प्रस्थापरिमितेन विथ द ओनली वन ग्रेन, सो हियर द वर्ड प्रस्थापरिमितेन, प्रस्थ परिमितेन विथ ओनली वन ग्रेन, विथ ओनली वन ग्रेन, धान्येन विविधानि व्यंजनानि वीरचित्वती, वीरचित्वती मीन्स टू प्रिपेयर टू मेड, विविधानि व्यंजनानि वीरचित्वती कन्यां प्रति समाकृष्ट, समाकृष्ट मीन्स अट्रैक्टेड, शक्ति कुमार मीन्स उसका इतनी रिचनेस देखी, उसकी क्वालिटी देखी, ये सब कुछ देखा तो दैट द बॉय हैज ऑलरेडी अट्रैक्टेड विद द गर्ल, मतलब उसने एक ही चीज में से बहुत कुछ बनाया, सो दैट ऑलरेडी द शक्ति कुमार, दैट द बॉय हैज ऑलरेडी इम्प्रेस्ड अट्रैक्टेड, शक्ति कुमार विवाहस्य प्रस्तावं कृतवान एंड कन्या स्वीकृते प्रस्तावेता विधिवधूपयगम्य स्वनगरत मन्नत, मीन्स शक्ति कुमार विवाह प्रस्ताव मीन्स द बॉय इज ऑलरेडी अट्रैक्टेड एंड देन आफ्टर दैट शक्ति कुमार इज गिविंग द प्रपोजल ऑफ मैरिज टू दैट गर्ल, देन आफ्टर दैट एक्सेप्टिंग ऑफ द प्रपोजल ऑफ मैरिज ता विधिवधूपम्य पयगम्य मीन्स उसने जो राइट्स थे रिचुअल्स थी उसके साथ शादी की, मतलब टू मैरी विद दैट गर्ल, पयम्य स्वनगरम नयत, स्वनगरम अनयत, अनयत मीन्स टू टेक, उसको उसके खुद की, शी हैज टू टेक, मतलब दैट शक्ति कुमार हैज टू टेक दैट गर्ल इन हिज ऑन सिटी, मतलब उसको उसके साथ लेके गया। नाउ हियर इन द स्टोरी गुणवती कन्या मीन्स द वर्चुअस गर्ल दैट वन बॉय, हियर द राइटर इज डंडी, सो दैट डंडी इज रिटन द दस कुमार चरित, उसमें से एक ये कथा वस्तु ली गई है, एंड दैट द गर्ल एंड द बॉय स्टोरी इज देयर, सो बॉय इज गिविंग टास्क टू द गर्ल दैट आई एम गिविंग टू ओनली एंड ओनली वन फूड आइटम एंड यू हैव टू प्रिपेयर द मेनी मोर थिंग्स, सो नाउ हाउ द गर्ल इज प्रिपेयर द फूड दैट होल द प्रोसेस इज गिवन, हाउ शी हैज टू कुक्ड मेनी फूड आइटम्स एंड एट द एंड द बॉय इज इम्प्रेस्ड एंड द बॉय मैरी विद दैट गर्ल। आई होप यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस PDF of this lesson and exercise that I will share with you.